नमस्कार दोस्तों, लखीमपुर कांड के आज 5 दिन हो गए। आज सुबह वो वक्त यूपी पुलिस की तरफ से मुकर्रर हुई थी, जिस वक्त पर केंद्र के गृह राज्य मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर कांड के विलन आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना था। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 घंटे हो गए, आशीष मिश्रा का कोई पता नहीं है। खबर आ रही है इधर उधर से कि नेपाल भाग गया। कोई कह रहा है कहीं छिपा है, कोई कह रहा है दिल्ली में हो सकता है। उनके एक रिश्तेदार के हवाले से कहा गया, वकीलों के संपर्क में है, कभी भी पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। लेकिन गृह राज्य मंत्री के घर पर यूपी पुलिस कल जाकर लखीमपुर में उनके घर पर एक नोटिस चिपकाती है और कहती है कि सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा जांच के लिए पुलिस के सामने आए, तहकीकात को ज्वाइन करें। लेकिन आशीष मिश्रा उस नोटिस को नजरअंदाज करके, मैं कहूंगा ठेंगा दिखाकर, अभी तक पुलिस के सामने नहीं पहुंचे। अगर वो गृह राज्य मंत्री का बेटा ना होता तो क्या उसकी यह हिम्मत होती कि 2-3 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा होता? यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, लखनऊ रेंज की IG लक्ष्मी सिंह, पुलिस की बड़ी अधिकारी कल बयान दे रही थी टीवी चैनलों पर कि आशीष मिश्रा की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी। खबर आई कि 5 टीमें आशीष मिश्रा की तलाश कर रही है। बाप मंत्री है, बेटा गायब है, बाप दिल्ली में है, गृह मंत्री के साथ मीटिंग कर रहा है, कल एक सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा था, बेटे की तलाश हो रही है, नोटिस घर पर है, बेटा पता नहीं। ये यूपी में हो सकता है, योगी राज में हो सकता है, मोदी राज में हो सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी है तो मुमकिन है, इस मुद्दे पर बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि आशीष मिश्रा अब तक पेश नहीं हुआ पुलिस के सामने, जिसके खिलाफ दफा 302 के तहत भी मुकदमा दर्ज है। और आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार में अभी भी उसके पिता अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर काबिज है। हमारे साथ 2 खास मेहमान है, दीपक शर्मा, जो लंबे समय तक टेलीविजन चैनलों में अहम ओहदों पर रहे, इन्वेस्टिगेशन वाली पत्रकारिता में उनकी अहम भूमिका रही है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और कई बड़े खुलासे किए हैं अपराध की राजनीति और राजनीति में अपराध और अपराध और पुलिस के बीच जो एक घालमेल और दोस्ताना रिश्ता है उसको भी जानते हैं। और दूसरे अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें आप अक्सर चैनलों पर और आजकल के दिनों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे। इन दोनों से भी समझेंगे, क्योंकि लगातार जब ये खबर आ रही हो कि आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पहुंचा नहीं और पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हो, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि नहीं पहुंचा। सबसे पहला सवाल दीपक आपसे ही, चूंकि आप यूपी को जानते हैं और आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा की हिस्ट्री शीट भी आ चुकी है सार्वजनिक तौर पर 4 दिन पहले कि बाप बेटे किसी जमाने में हिस्ट्री शीटर रहे हैं, हत्या के आरोपी रहे, और आज वो अगर नहीं पहुंचता है तो क्या मान लें कि क्या अमित शाह, मोदी और योगी की पुलिस या सरकार इतनी लाचार है कि उनकी कैबिनेट में एक मंत्री का बेटा फरार हो जाए और उसके बाद पुलिस तमाशबीन हो।